हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, एज यू ऑलरेडी नोज, वी विल कवर योर 8th क्लास सिलेबस इंक्लूडिंग ब्राविया एंड एज वेल एज कम्युनिकेटिव इंग्लिश. सो नाउ टुडे वी विल डूइंग योर पोएम सेक्शन, एंड इन दिस सेक्शन वी विल ऑब्जर्व द पोएम ज्योग्राफी लेसन. ये जो हमारी पोएम है ज्योग्राफी लेसन, इसमें ज्योग्राफी के बारे में जो पॉइंट है वो बता रहा है. और इस पॉइंट में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया हुआ है, एक बहुत अच्छा एक थीम दिया हुआ है, जिसको हम लास्ट में जो है आपको बताएंगे. सो एंड तक आपने सारी जो पॉइंट की समरी है उसको अच्छी तरह से समझना है, ताकि आपको जो मेन थीम है इसका और इसका जो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है पॉइंट का वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. तो इस लेसन में हम करने वाले हैं आपकी एक्सप्लेनेशन एज वेल एज पोएटिक डिवाइस एंड इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड योर अनसॉल्व्ड ब्राविया की जो आपकी वर्कशीट है उसको भी हम लास्ट में सॉल्व करेंगे. उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं उसको भी ध्यान से उसको अटैम्प्ट करेंगे. सो लास्ट तक आपने लेसन को अच्छी तरह से देखना है और अच्छी तरह से इसको समझना है. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड योर सेकेंड पॉइंट विच इज टेकन फ्रॉम ब्राविया ज्योग्राफी लेसन. ज्योग्राफी लेसन में हमारा फर्स्ट स्टेंजा देखिए, इसकी मैंने एज वेल एज जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको मैं बताऊंगा. तो यहाँ पर हम पहले इसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके ब्राविया पार्ट के ऊपर आते हैं कि ब्राविया में हमें क्या क्या करना है. चलिए जल्दी से देखते हैं क्या है इस पॉइंट में. वेन द जेट स्प्रैंग इन टू द स्काई इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed inevitably about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the in off the sky. So in this stanza, the poet explain. यहाँ पर नीचे देखिए मैंने इसकी explanation में क्या बताया हुआ है. When the jet takes off, जब ये poet है, ये पॉइंट क्या कर रहा है, बेसिकली ये एक जहाज़ में बैठा हुआ है, जेट में बैठा हुआ है, और ये ऊंचाई के ऊपर जाकर जो हमारा प्लैनेट है पृथ्वी उसको ऑब्जर्व करता है कि अर्थ के ऊपर क्या है, कैसे है वो, उसकी जो जियोग्राफिक क्या होता है, इसकी जो भौगोलिक स्थिति होती है उसको वो ऑब्जर्व करता है कि ऊपर से हमारा जो इंडिया है, हमारे जो शहर है, हमारे जो गाँव है, वो कैसे दिखाई देते हैं, पूरा वर्ल्ड कैसे दिखाई देता है. ठीक है. When the jet takes off, जब उसका जहाज उड़ता है, and start to climb up in the sky, और जब वो आसमान में पहुंच जाता है, you can have full height view of the city. तो तब क्या होता है, वो जहाज से ऊंचाई से देखता है कि क्या देखता है, उसका जो शहर होता है वो देखता है कि उसका शहर कैसे लगता है ऊंचाई से. The city grew as per its necessity and did not grow as per proper planning. तो यहाँ पर वो देखता है कि जो उसका शहर था वो ज़रूरतों के हिसाब से बना हुआ है. एंड डिड नॉट ग्रो एज पर प्रॉपर प्लानिंग, बट उसमें कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की हुई है. सब क्या है, उलट पुलट है, कोई किधर है, कोई किसी ने दीवार लगाई हुई है, किसी ने कुछ किया हुआ है, तो वो उसको दिखाई देता है कि सिटी में प्लानिंग तो अच्छी हुई है ज़रूरत के हिसाब से, बट वो प्रॉपरली नहीं हुई. इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर स्टाइल. तो उसमें क्या होता है, कोई भी उसमें पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है, कोई भी उसमें जो हम बोल देते हैं कि आर्किटेक्चर के हिसाब से उसमें कुछ नहीं है. इट इवन लुक्ड 6 inches फ्रॉम ए सर्टेन हाइट रिवील्ड इट्स ट्रू स्ट्रक्चर. जैसे जैसे जो हाइट के ऊपर जाता है उसका जहाज, तो वैसे वैसे उसको जो है वो सिटी का नीचे जो जियोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसका वो सच जो है, उसका जो सच्चा जो एक स्ट्रक्चर है, उसका जो ढांचा है वो पता चलना शुरू कर देता है. उसको ऑब्जर्व कर रहा है वो जहाज के ऊपर बैठ कर अपने प्लैनेट को, अपने गाँव को, अपने शहर को चारों तरफ. When the jet, next है हमारा second stanza, when the jet reached 10,000 feet, जब ये उसका जेट है वो 10,000 feet की ऊंचाई के ऊपर जाता है, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys are populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. इन दिस स्टेंजा, हमारा जो सेकंड स्टेंजा है इसमें पॉइंट क्या कर रहा है, तो
तो चलिए देखते हैं हम इसकी पैराग्राफ में। व्हेन द जेट क्लाइम्स हायर अप, जब जिसका जहाज था वो और ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर जाता है, टू अबाउट 10,000 feet, कितनी ऊंचाई बताई हुई है, 10,000 feet की ऊंचाई के ऊपर जब उसका जहाज जाता है पाइट का, ही कुड एप्रीहेंड द फैक्ट दैट द सिटीज ग्रू वाटर रिसोर्सेज, तब उसको पता चलता है कि ये जो शहर है ये नदियों के किनारे क्यों बसे हुए हैं, क्योंकि नदियों के किनारे क्या होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, पानी होता है, सब कुछ होता है, इसलिए ज़्यादातर शहर कहाँ पर बसे हुए हैं, नदियों के किनारे बसे हुए हैं। वो उसको जब 10,000 feet की ऊंचाई के ऊपर जाता है तब उसको रियलाइज़ होता है। वाटर फुलफील्ड द नेसेसिटी लाइक एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस एंड अदर। अब देखिए ये जो शहर है वो पानी के किनारे इसलिए बसे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर खेती बाड़ी हो सकती है, आवाजाही हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, बिजनेस वहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं और दूसरे काम भी हम वहाँ पर रहकर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। चलिए, ही फाउंड दैट वैलीज वर पॉपुलेटेड विच मेट द नेसेसिटी ऑफ द पीपल, और उसको पता चलता है कि ये जो वैलीज हैं वो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलेटेड हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके ज़रूरत के सभी चीज़ें उनको मिल जाती हैं। वहाँ पर काम हो सकता है, वहाँ पर खेती बाड़ी हो सकती है, वहाँ पर आवाजाही हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, इसलिए वैली के बारे में कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हमारा जो थर्ड स्टैंजा है पोइम का, व्हेन द जेट रोज 6 mile हाइज, जब 6 mile की हाइट के ऊपर पहुंच जाता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वट वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट, इट वॉज नॉट क्लियर वाई। तो अब भी जो स्टैंजा है हमारा लास्ट जो स्टैंजा है इसमें क्या पॉइंट बताता है, उसके नीचे देखिए यहाँ पर ब्राविया का भी हम उसको सॉल्व करेंगे क्या है उसमें। तो चलिए, व्हेन द जेट वेंट अबाउट 6 mile, जब उसका जहाज जो 6 mile की हाइट के ऊपर पहुँच जाता है, माइल क्या होती है, ये एक हाइट को नापने की एक यूनिट होती है, देर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन अर्थ, वहाँ पर क्या है, पानी जो है वो पानी ज़्यादा है और ज़मीन कम है, धरती के ऊपर क्या होता है, पानी ज़्यादा है और जो लैंड है, जो धरती है, ज़मीन है वो कम है, उसको हाइट से पता चलता है। वाइल अप्रिशिएटिंग द जियोग्राफिकल नाइसिटीज ऑफ आवर प्लैनेट, द पॉइट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द टेंडेंसी टू बिल्ड बॉर्डर्स, टू इरेक्ट वॉल, टू क्रिएट फेंसेस, तब उसको रियलाइज होता है कि देखो हमारा जो प्लैनेट है इतना अच्छा है, गोल है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया हमारे प्लैनेट ने, तो यहाँ पर ये जो लोग रहते हैं इस प्लैनेट के ऊपर, ये जो इन्होंने क्यों बाउंड्रीज बना दी हैं, क्यों इन्होंने फेंसिंग बना दी हैं, ठीक है, तो वो बात कर रहा है डिफरेंस की, ठीक है, तो कैसे लोगों ने अपने अपने इलाके में जो बाउंड्रीज बना दी हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, हमारा प्लैनेट क्या है, गोल है, ये सब मैन मेड आदमी के द्वारा बनाई हुई सभी ये चीज़ें हैं। Then he reflected that the people on the earth are selfish and narrow, for they hate each other. अब उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ये सेल्फिश हैं, अपने से मतलब रखते हैं, और नैरो यानी कि बहुत छोटे दिल हैं इनके, और ही फाउंड द अर्थ टू बी वन बट नॉट द पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ आर डिवाइडेड फॉर शैलो रीजन। तब उसको रियलाइज होता है कि धरती जो है, ही फाउंड द अर्थ टू बी वन, उसको रियलाइज होता है कि धरती जो है एक है, हमारा प्लैनेट एक है जो गोल है, तो इसलिए हम लोग अपने जो है सेल्फिशनेस के लिए हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, अपने जो फ़ायदे के लिए इसको बांटा नहीं जा सकता, ठीक है, ये बताने की इसमें कोशिश की गई है जहाँ पर ये जो लोग रहते हैं उनके बारे में कहा गया है। तो बेसिकली इसका मेन आइडिया क्या होता है, इसकी समरी में हम देखते हैं समरी में क्या है, बेसिकली इसका मेन आइडिया ये बताया हुआ है, मेन आइडिया मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आपका ब्राविया, ब्राविया में देखिए पहले सबसे पहले समरी है, समरी अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समरी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करवा दी है सारी, ठीक है, वही चीज़ में बताई हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से हमें क्वेश्चन आंसर की ओर। फाइंड 3 or 4 फ्रेजेज इन स्टैंजा 1 and 2, देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है उसमें हमें फ्रेजेज ढूंढनी है, फ्रेजेज क्या होती हैं, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओनली, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब नहीं होता, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। तो चलिए
तो क्या लिखा हुआ है, सम फ्रेजेज दैट आर लाइकली टू ऑकर इन ज्योग्राफी लेसन, कुछ फ्रेजेज हैं जो इस लेसन में हमें मिलती हैं, पॉइंट में मिलती हैं। द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इन लैंड, ये है एक स्केल है, लाइकली टू ऑकर इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बारे में बता रही है, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रही हैं। द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, जो शहर है वो कैसे डेवलप हुआ है उसकी ज़रूरतों के हिसाब से। दूसरा है इट स्केल्ड 6 inches टू द माइल, तो इसको कहाँ से उसने देखा ये सब, उसको कहाँ से रियलाइज़ हुआ, 6 जब वो और ऊपर गया, ठीक है, जहाज़ के ऊपर बैठकर जब और ऊपर गया तब उसको रियलाइज़ हुआ। नेक्स्ट है सिटीज़ वेयर द रिवर रन, तब उसको पता चला कि ये जो शहर हैं वो कहाँ पर बसे हुए हैं, नदियों के किनारे बसे हुए हैं। एंड द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, और इसीलिए ये जो वैलीज़ हैं, ये जो घाटियाँ हैं, ये यहाँ पर पॉपुलेटेड है, यहाँ पर ज़्यादा संख्या रहती है। आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन मैंने टिक किए हुए हैं, ये आपने पढ़ना है और इसको अच्छी तरह से एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है। मैंशन टू थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, ठीक है, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। अब हमें बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हाइट से क्लियर हैं और कौन कौन सी चीज़ें हाइट से नहीं क्लियर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया, फर्स्ट पार्ट में क्लियर फ्रॉम द हाइट, हाइट से जो क्लियर है वो क्या है, फ्रॉम द हाइट इट वॉज क्लियर वाई द सिटी इज एस्टैब्लिश्ड वेयर द रिवर्स रेन, उसको क्या पता चलता है कि क्यों ये जो वैलीज़ हैं, वैली पर ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं, Why the valleys were populated? ये क्यों ज़्यादा populated हैं, ठीक है, उसको हाइट से पता चलता है। It was also clear, उसको ये भी पता चलता है, that the earth was round, कि धरती हमारी गोल है, and that it had more sea than land, और उसको पता चलता है कि हमारे planet पर ज़मीन से ज़्यादा पानी है, ठीक है, ये हमें क्लियर फ्रॉम द हाइट, हाइट से पता चलता है, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, बट हाइट से हमें पता क्या नहीं चलता, ये देखिए यहाँ पर हमारा एक मेन थीम भी आपको अभी पता चल जाएगा, क्या है इस पोएम का थीम क्या है, ये आपको थीम का क्वेश्चन भी आ सकता है। फ्रॉम द हाइट ऊंचाई से इट वॉज नॉट क्लियर, ये अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता, इसको समझ हम नहीं सकते, वाई द मैन ऑन द अर्थ, की धरती के ऊपर रहने वाला जो इंसान है फाउंड रीजन टू हेट ईच अदर, वो आपस में लड़ता क्यों है, आपस में लड़ने के कारण क्यों ढूंढता रहता है, क्या वो शांति से नहीं रह सकता। इट वॉज ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडेबल, अभी ये भी उसको समझ में नहीं आ रहा, वाई मैन हैड टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज, क्यों इंसान ने चारों तरफ बाउंड्रीज बना दी है, ठीक है, क्यों उसने अपने अपना इलाका बांट लिया है, एंड वाई दे हैड टू किल, और क्यों वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। बेसिकली इसमें थीम यही बताया हुआ है कि अंत जब समय आता है, लास्ट टाइम जब इंसान का आता है तो कुछ भी उसके साथ नहीं जाता, ठीक है, इसलिए हमें जो है अपनी सेल्फिश के लिए, जो हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल प्लैनेट है पृथ्वी, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, सब हम सबको मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए, ठीक है, ये बेसिकली इसका मेन आइडिया, मेन थीम बनता है कि हमें जो है वो डिवाइड नहीं कुछ भी करना चाहिए, हमें प्यार से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें नेचर जो है हमारा कुदरत है, कुदरत को कुदरत के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और कुदरत को, नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ये इसका बेसिकली मेन थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, ये हमारे स्टैंजा हैं, ये मैंने स्टैंजा आपको एक्सप्लेन करवा दिए हैं और इसके जो वर्ड मीनिंग भी आपने अपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, और ये इसके क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। विच इज़ द पॉइट सिटिंग, वेयर इज़ द पॉइट सिटिंग प्रेजेंटली, तो कहाँ पर बैठा हुआ है, ही सीट्स ऑफ एन एरोप्लेन विंडो सीट, तो वो जहाज़ की विंडो की जो खिड़की है वहाँ पर बैठे हुए हैं, सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट स्टैंजा में से, वट डज द नोटिस्ड फ्रॉम देयर, तो वहाँ पर जाकर उसको क्या पता चलता है, द पॉइट ऑब्जर्व दैट द सिटी वॉज डेवलप्ड इन ए स्पेसिफिक वे, उनको पता चलता है कि जो मेरा शहर है वो एक प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, जैसे शहर की ज़रूरतें हैं, ठीक है। सी क्वेश्चन देखिए फर्स्ट स्टैंजा में से, वट रिमार्क डज ही मेक अबाउट द सिटी, तो वो क्या रिमार्क, क्या नोट करता है सिटी के बारे में, ही रिमार्क देयर आर सिटी वेयर देयर आर रिवर्स, तो वो ये नोटिस करता है कि सिटी ज़्यादातर कहाँ पर हैं, जहाँ पर साथ में रिवर्स हैं, ठीक है, बट वो अनप्लान्ड हैं, ये आप साथ में ऐड कर लेना कि वो अनप्लान्ड हैं। अब आगे देखिए डी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन इन ए कन्फ्यूज्ड मैनर, इसका जो कन्फ्यूज्ड मैनर का मीनिंग है ये इसका मीनिंग लिखना है। द वर्ड, इसका आंसर देखिए डी का, द वर्ड इज हैपहजार्ड, हैपहजार्ड क्या होता है, उथल पुथल, एक प्रॉपर मैनर में ना होना, तो ये इसका मीनिंग आएगा, ठीक है। चलिए सेकंड स्टैंजा में आपको एक्सप्लेन कर दिया है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम देखते हैं।
वाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिवर्स एंड सिटीज. अब रिलेशन क्या है रिवर्स और सिटी में, देखिए उसका आंसर है देर आर सिटीज वेयर देर आर रिवर्स. बस यही एक रिलेशन है कि जहाँ कहीं पर रिवर है वहाँ पर ही शहर है. चलिए वाट डज द पॉइंट फाइंड आउट अबाउट द वैलीज. तो वैली जो घाटियों के बारे में क्या लिखा है उसने, द वैलीज आर पॉपुलेटेड फॉर सम रीजन. तो क्या उसने देखा है कि वैली जो है वहाँ पर भी ज़्यादा जनसंख्या है. ठीक है, ये उसने नोटिस किया. सी क्वेश्चन देखिए, व्हाट लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी डज द पॉइंट रेफर टू. क्या लॉजिक उसको मिलता है ज्योग्राफिक से, भौगोलिक स्थिति का जायजा लेने के बाद उसको क्या मिलता है. क्वेश्चन नंबर सी है, द पॉइंट ऑब्जर्व दैट द सिटीज वर डेवलप्ड इन स्पेसिफिक वे. क्या ऑब्जर्व करता है कि जो सिटी है एक स्पेसिफिक वे में बनी हुई है, जैसे इंसान की ज़रूरतें होती हैं उस हिसाब से बनी हुई हैं. डी क्वेश्चन देखिए हमारे सेकंड स्टैंजा में से, एट व्हाट प्लेस डज द पॉइंट मेक दिस ऑब्जर्वेशन. तो क्या उसको मिलता है ये सब ऑब्जर्वेशन. दे द पॉइंट मेक दिस ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाइट ऑफ 10,000 feet. कहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा है, 10,000 feet की ऊंचाई से ये सब ऑब्जर्व कर रहा है, ये सब देख रहा है. चलिए लास्ट हमारा स्टैंजा है, थर्ड स्टैंजा के जो क्वेश्चन आंसर है वो देखिए, एट व्हाट हाइट इज द जेट फ्रॉम द ग्राउंड. क्या हाइट थी हमारी, 10,000 feet. ठीक है. बी क्वेश्चन, व्हाट बिकेम क्लियर टू द पॉइंट. क्या उस पॉइंट को क्लियर होता है, इट वॉज क्लियर टू द पॉइंट दैट द अर्थ वॉज राउंड. उसको ये क्लियर हो जाता है कि धरती हमारी गोल है. सी क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मोर ऑन अर्थ सी और लैंड. हमारे धरती के ऊपर, हमारे प्लैनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या है, समुद्र है या ज़मीन है. तो क्या है, इट हैड मोर सी देन लैंड. हमारे यहाँ पर प्लैनेट के ऊपर समुद्र ज़्यादा है, ज़मीन कम है. अब आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन स्टैंजा थर्ड से, व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द पॉइंट टू अंडरस्टैंड. इसका राइट आंसर क्या है, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉजेज टू हेट ईच अदर. हमें ये नहीं पता चल रहा कि इंसान क्यों आपस में लड़ रहे हैं, जबकि जाना किसी के साथ कुछ नहीं होता. तो ये पॉइंट कन्फ्यूज़ है, बाकी सब कुछ उसको अंडरस्टैंड करना ईजी है, बट ये अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है. किसी इंसान को पढ़ना बड़ा मुश्किल है कि ये जो इंसान है आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्यों आपस में जो है वो इलाके बाँट रहे हैं. ठीक है, तो ये उसको समझ में नहीं आ रहा. तो ये था बेटा आपका आज का लेसन. आई होप आपको अच्छी तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अच्छी तरह से, और यही आपने अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो मैंने टिक करवाया है, जो मैंने सॉल्व करवाया है, यही आपने अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लेना है. ठीक है, आई होप कि आपको जो लेसन है अच्छी तरह से समझ में आ गया है. सो दिस इज़ योर चैप्टर ज्योग्राफी लेसन एंड टुडे is enough, and we will meet in your next lecture. Till then, work hard and stay safe at your home.